नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार के बीच में तंज कसना कम नहीं हो रहा है, तो वहीं अब एक और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की एंट्री हो गई है इनके लड़ाई के बीच में। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के लड़ाई के बीच में अब एंट्री हो गई है निरहुआ की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की लड़ाई जो कि बड़े दिनों से चल रही है। पवन सिंह कभी लाइव आकर खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ बोलते हैं तो कभी खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बारे में बोलते हैं, तो अब इसी बीच में खेसारी लाल और पवन सिंह के लड़ाई में निरहुआ की एंट्री हो गई है। निरहुआ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई को मजाकिया लड़ाई कह रही है। क्या कुछ कह रही है निरहुआ इन लोग की लड़ाई को लेकर, आपको बताते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की दुश्मनी के काफी चर्चे हैं। इन दिनों सितारों ने पिछले एक महीने में एक दूसरे के खिलाफ इतने बयान दे दिए हैं कि फैंस हैरान हैं। पवन सिंह सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और खेसारी लाल यादव ने उनके बाद दर्शकों के बीच पहचान बना ली है। ऐसा देखा गया है कि जूनियर कलाकार अपने सीनियर की इज्जत करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ मामला एकदम उल्टा नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच बयानबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण से फैन भी इनके बयान को देखते हुए और सुनते हुए हैरान और परेशान हो रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये दोनों ना केवल साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते थे बल्कि साथ में मजाक करते भी नजर आते थे। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने इन दोनों के बीच चल रही लड़ाई पर बात करते हुए एक किस्सा शेयर किया है और बताया है कि इन दोनों के बीच ऐसी चीजें होती रहती हैं और लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निरहुआ ने एक मीडिया चैनल को अपना बयान दिया है। बात करते हुए उन्होंने बताया एक बड़ा ही शानदार किस्सा जो कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में हुआ था, जब खेसारी एक जगह शूट पर गए थे और उन्हें पता चला था कि पवन भी वहीं शूट कर रहे हैं, तो अचानक से खेसारी उनकी रूम में पहुंच गए, उनके होटल रूम में पहुंच गए और पहुंचने के बाद खेसारी अपना किस्सा बताने लगे पवन सिंह को। और खेसारी की ये बहुत बुरी आदत है, हमेशा वो प्रॉपर्टी को लेकर बात करते रहता है, तो पवन सिंह उनकी इस बात से बोर हो गए और मजाक मजाक में कहा कि मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगा और इस रूम में तुम हो ये बात सबको पता है और मैं इस खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ये मजाक का सिलसिला हमेशा से चलते रहा है और अभी भी इन लोगों के बीच में ये मजाक ही चल रहा है। ये लड़ाई को आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए क्योंकि अंत में ये दोनों एक ही होने वाले हैं। और निरहुआ ने ये भी आगे बताया कि पवन सिंह को चिढ़ने की आदत है और खेसारी लाल उन्हें इस वजह से चिढ़ाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं और अभी भी यही सिलसिला चल रहा है और आप अंततः देखिएगा कि ये दोनों दोस्त वापस से दोस्त बन जाएंगे। इन लोगों की दुश्मनी ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाली है। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जो लड़ाई है उसको निरहुआ ने बोला है कि एक मजाक चल रहा है। इन लोगों के बीच में हमेशा ऐसी कहा सुनी होती रहती है, शूट पर भी आए दिन देखा जाता है, तो इसको आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, ये बस एक मजाक है। कुछ दिनों बाद ये दोनों भाई वापस से भाई बन के दिखेंगे। ये दुश्मनी कुछ दिनों की ही दुश्मनी होने वाली है, बाकी आप देखिएगा कि ये दोनों वापस से दोस्त बन जाएंगे और साथ में मूवी करते आपको जल्द ही नजर आएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।